हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोग के लिए दाल और चावल से बनी चीला लेके आई हूँ। तो इसे चले बनाने के लिए हमने यहाँ पर चावल 2 गिलास ले लिया है और इसे रात भर के लिए फूलने के लिए छोड़ दिया था, ये अच्छी तरह से। अब हम यहाँ पर उड़द दाल ले लिए हैं। हमने यहाँ पर आधा कटोरी उड़द दाल ले लिया है, इसे भी हमने रात भर के लिए फूलने के लिए रख दिया था, ये भी अच्छी तरह से फूल चुकी है। और हम यहाँ पे चना दाल ले लिए हैं 1 कटोरी, इसे भी हम फूलने के लिए रख दिए थे, ये भी अच्छी तरह से फूल चुकी है। हम इसे मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। दाल और चावल को हमने मिक्स कर लिया है, अब हम इसे मिक्सर जार में डालेंगे। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। हमने यहाँ पे चावल दाल को डाल लिया, अब हम इसमें कटी हुई लहसुन डालेंगे 4 से 5 कली। अब हम यहाँ पर अदरक कटा हुआ ले लेंगे 1 छोटा इंच। यहाँ पे हम 2 हरी मिर्च कटा हुआ ले लेंगे। इसे अब हम पीस लेंगे। चावल और दाल को पीस लिया है। 1 टीस्पून साबुत जीरा ले लिया है, इसमें हम 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। इसमें हम 2-3 पिंच जितनी हल्दी डाल देंगे। यहाँ पर हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। अब इसे हम मिला लेंगे। यहाँ पर मसाला वाला पेस्ट तैयार कर लिया है, इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे और इसे भी मिला लेंगे। कढ़ाई में हम तेल लगा लेंगे और इसे चारों साइड से फैला लेंगे। इसके ऊपर हम 1 बड़ा चम्मच चावल का पेस्ट डालेंगे और इसे कपड़े से पकड़कर फैला लेंगे। इसे हम अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब इसे ढककर 1 मिनट के लिए रखेंगे, उसके बाद इसे हम पलटकर दूसरी साइड पकाएंगे। इसके ऊपर हम तेल लगा लेंगे। इसे हमें हल्के हाथ से पलटना है। इसे हमने दोनों साइड से सेक लिया। अब इसे हम 1 प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे आप चटनी, सब्जी किसी के भी साथ खा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।